हाँ हम लोग सबको दिख रहा है स्क्रीन तो। हाँ जी तो जैसा कि आज हम लोग का टॉपिक है कि हिंदी उपन्यास, और हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद जी का क्या योगदान है, और उसी के संदर्भ पे उनके एक विशेष उपन्यास जिसका नाम है प्रेमाश्रम, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो बात करने से पहले मैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हल्की फुल्की एक जानकारी दे दूं। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये है प्रेमचंद, जो कि मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखा करते हैं, और साथ ही उनके जन्म की तिथि आप लोग को देखने को मिल रही होगी, 31 जुलाई 1880 लंबी वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु उनकी 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी में ही हुई थी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले उपन्यास, जो पिछले 2 या 3 क्लास में हम लोग कंटिन्यू उपन्यास 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 के बारे में चर्चा की है, बहुत लोग को उपन्यास यानी कि वो हल्का फुल्का ये समझ एक बन बैठा है कि कहानी जो है कम पृष्ठों में, कम पेजों में, कम चरित्रों के साथ लिखी जाती है, उपन्यास बहुत ज्यादा पेजेस के साथ लिखी जाती है, तो वो उपन्यास कहलाता है। ये सरासर गलत है। उपन्यास का सीधा सिंपल, जहां आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, उपन्यास के दो शब्द से वो मिलके बना है, एक हो गया उप, एक हो गया न्यास। जहां उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है रचना। तो साधारण शब्दों में अगर उपन्यास की व्याख्या की जाए तो उपन्यास में उपन्यासकार मानव जीवन, यानी कि अपने जो रोजमर्रा के जीवन में जो कुछ भी सीखता है, सुख से दुख से, और उस घटनाओं को निश्चित तारुण्यता, मतलब सीरियल वाइज उस घटनाओं को, मतलब जो घटना जिस समय है जिस काल में है उस घटना को उसी क्रमबद्ध तरीके से रखते हुए आगे बढ़ता है, उसे लिखता है साहित्य के माध्यम से, उसी को हम लोग उपन्यास कहते हैं। तो इन दो चीजों को क्लियर करते हुए आगे अब अपने बात रखूंगा। उपन्यास से आप लोगों का मैंने परिचय करा दिया है, अब मैं आप लोगों का परिचय करा देता हूँ मुंशी प्रेमचंद जी से। मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय देते हुए आज की उनकी जो उपन्यास है प्रेमाश्रम, हम उस पर बात करेंगे। पृथ्वीराज सर, हाँ, मैं ऑनलाइन आ गया हूँ, कनेक्टिविटी आ गई जी है। सर, तो आप कुछ कहना चाहें तो कहिए, उसके बाद फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं एक मजदूर हूँ, और जिस दिन मैं कुछ ना लिखूं तो रोटी खाने का मेरा हक नहीं है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये प्रेमचंद जी ने बोले थे। चलिए, आज के ऑनलाइन कक्षा के श्रृंखला में शायद अभिषेक जी तो विषय बोल दिए होंगे, जो विषय है हिंदी उपन्यास प्रेमचंद की विशेष अध्ययन। और आज के विशेष विशेषज्ञ हैं हमारे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में शिक्षण सलाहकार श्रीमान अभिषेक सिंह जी, और मुझे गर्व है ये कहने में कि विश्वविद्यालय की जो प्रयास है, ओइसू के प्रयास ऑनलाइन कक्षा चलाने के लिए, मैं विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर जो सर हैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। चलिए, मैं मध्यस्थी के हिसाब से संयोग कर रहा हूँ, और मेरा जो सहयोग कर रहे हैं सुश्री हवा फरीन, जो हमारे विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में शिक्षण सलाहकार हैं, और तकनीकी सहयोग कर रहे हैं मास्टर निशांत पुरोहित और सुश्री स्वागतिका, और जो पर्दे के पीछे हैं जिनके बिना ये ऑनलाइन का कक्षा संभव नहीं है, उन लोग हैं डॉक्टर अंशुमान जेना और असीम पटेल जी। उनको मैं भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, क्योंकि वो ना होने से ये संभव शायद नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला में। विषय के साथ आपका परिचय हो गया है, अभिषेक सिंह जी के साथ भी आपका परिचय हो गया है, बाकी वो आपको साथ लेके जाएंगे जिस हस्ती के साथ परिचय करवाने के लिए, वो हैं मुंशी प्रेमचंद जी।
उनका नाम सही में मुंशी प्रेमचंद जी था या नहीं? मद्रासा में क्यों नाम लिखाया गया? बनारस से मुंबई क्यों आए? फिर मुंबई से वापस क्यों चले गए? किस वजह से उनको हम साहित्य सम्राट कहते हैं, कलम के सिपाही कहते हैं? वो जो साधारण जीवन से, एक साधारण व्यक्ति से जो असाधारण व्यक्ति बन गए, जो सफर था वो ऐसे ही नहीं था, वो जितने बाधाएं थे वो हरा के ही कलम के सिपाही बने। सवाल ये उठता है, नाम क्यों बदला? उनके उपन्यास और कहानी के ऊपर इतने सारे अच्छे फिल्मियां और फिल्माएं क्यों गए और जातीय पुरस्कार भी मिला? पिछले दिनों के जाने माने कलाकार संजीव कुमार जी, राजकुमार, ओम पुरी और स्मिता पाटिल, शोभा खोटे, निरुपमा राय, बहुत सारे अच्छे नामजादा कलाकार किरदार निभाए हैं उनके कहानी के ऊपर जो फिल्माया गया है। विश्व प्रसिद्ध निर्देशक बंगाल के सत्यजीत राय के निर्देशित सदगति जातीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऐसा कोई भी फिल्म नहीं है उनके उपन्यास के ऊपर जो बनाया गया जो कि किसी न किसी पुरस्कार नहीं मिला। चलिए और आगे चलते हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब है, बाकी आप लोगों के मन में भी है, मेरे मन में भी है। और ये जानते हैं कि आज प्रेमचंद जी और प्रेमचंद जी का उपन्यास प्रासंगिकता रखता है कि नहीं, प्रासंगिक है कि नहीं? चलिए, और मैं आग्रह करूंगा हमारे आज के विषय विशेषज्ञों को तथा हमारे शिक्षण सलाहकार श्रीमान अभिषेक सिंह जी को कि श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और मुझे कुछ बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वचन, आपके आशीष वचन के साथ मैं इस कक्षा को पूरा एक बार आगे बढ़ाता हूँ। और इस कक्षा में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, आज हिंदी ने विश्व सिनेमा के एक बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े रंगकर्मी इरफान खान जी का निधन हो गया। तो उनके प्रति मेरी संवेदना सबसे पहले, क्योंकि एक बार आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा था कि साहित्य कला और संस्कृति से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। तो इसलिए कलाकार होते हुए और साहित्य कहीं भी अछूता नहीं रहा है समाज के किसी क्षेत्र से, इसलिए मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको। और इसी के साथ आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए पुनः मैं एक बार, जैसा हम बात करते प्रेमचंद जी के जीवन का परिचय, उपन्यास क्या है यह मैंने आपको बता दिया कि उपन्यास दो शब्द उप और न्यास के साथ मिल करके बनता है, ये मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बता दिया है। और उप और न्यास शब्द के अपने अपने अर्थ होते हैं, जहां उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है रचना। तो उपन्यास का सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि इंसान जो अपने रोजमर्रा के जीवन में जो भी अनुभव करता है अपनी अनुभूति के साथ, सुख हो दुख हो, चाहे अपार बहुत सी चीजें हैं साहित्य में, उसे जोड़ करके एक नवीन साहित्य की रचना करता है, व्यवस्थित ढंग से उसकी रचना करता है, वो उपन्यास कहलाता है। और आज का जो उपन्यास का हमारा विषय है प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम जैसा आप सबको तो पता है 1922 में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। तो प्रेमाश्रम पर पढ़ने से पहले मुंशी जी के बारे में दो तीन चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आप सबको, हम सबको ज्ञात होना चाहिए कि वो हिंदी और उर्दू के बहुत बड़े, सर्वाधिक, बहुत बड़े नहीं कहूंगा, सर्वाधिक लोकप्रिय कहानीकार एवं विचारक रहे हैं। उनका मूल नाम धनपत राय था, माता का नाम आनंदी देवी था, पिता का नाम मुंशी अजब राय था, जो कि एक डाक मुंशी थे। 7 वर्ष की आयु में माता और 14 वर्ष की आयु में पिता के निधन के पश्चात जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आई, उन कठिनाइयों को उन्होंने लड़ा, उन कठिनाइयों से जूझा और आगे निकल के बहुत बड़े कहानीकार, कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। यह उनके उपन्यास, कहानी और साहित्य का ही योगदान है कि हम हिंदी साहित्य की जब बात करते हैं, हिंदी साहित्य में जब उपन्यास की बात करते हैं, तो आदरणीय मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से हिंदी साहित्य में तीन धाराएं बटी। तीन धाराएं, उसका मतलब यह है उपन्यास की जब हम बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं, एक कहा जाता है कि प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद कालीन उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, यानी कि जो प्रेमचंद के बाद लिखी गई। तो उपन्यास साहित्य में इतना बड़ा नाम
एक साधारण से इंसान ने जिसने जीवन में बहुत सारी चीजों बहुत सारी चुनौतियों से जूझा हो, उसको उपन्यास में स्वयं में ऐसा कुछ रहा होगा जिसके उपन्यास और जिस उपन्यासकार के नाम पे एक पूरी की पूरी कालखंड का नाम रख दिया गया हो। हम जैसा जानते हैं कि प्रेमचंद का एक जो साधारण सा प्रश्न जो आप सबके मन में उठ रहा होगा कि उनका नाम तो धनपत राय था, वो प्रेमचंद नाम से कब क्यों लिखने लगे, कैसे लिखने लगे, तो इसके पीछे की एक बहुत रोचक सी कहानी मैं बताता हूँ। आप सबको शायद ज्ञात न हो कि प्रेमचंद जी ने जब शुरुआत में लिखना शुरू किया, जब वो रचनाएं लिखते थे प्रेमचंद जी सब शुरुआत में, तो उस समय उन्हें अंग्रेजी शासन काल था। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 के लगभग हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी आजादी 1947 में मिली, तो जिस दौर में प्रेमचंद लिखा करते थे वह दौर जो अंग्रेजी शासन का दौर था। उस समय प्रेमचंद जागरण नामक समाचार पत्र के संपादक रहे, हंस नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन करते थे, सरस्वती प्रेस भी चलाते थे। वही नहीं, प्रगतिशील लेखक संघ जो उस समय एक निर्माण हुआ था उसके प्रथम सभापति भी मुंशी प्रेमचंद जी बनाए गए। आरंभ में उर्दू पत्रकारिता जमाना में उन्होंने लिखना शुरू किया। यही नहीं, जमाना में लिखते हुए 1910 में जब उन्होंने सोजे वतन, जिसे कि हिंद सोजे वतन ये उर्दू नाम है, हिंदी में उसका नाम था राष्ट्र का विलाप, 1910 में जब मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा तो वो इतना ज्यादा उस समय का समाज डरा हुआ था अंग्रेजों से कि अंग्रेज शासकों को लगा कहीं इनका लिखा हुआ सोजे वतन या राष्ट्र विलाप कहीं लोगों को जागरूक न कर दे, जब लोगों को जागरूक न कर दे आंदोलन के लिए, इस वजह से उसकी पूरी की पूरी प्रति को उठा लिया गया अंग्रेज शासनों द्वारा। रातों रात मुंशी प्रेमचंद जी को गिरफ्तार कर लिया गया, सोजे वतन की सभी प्रतिलिपि, एक प्रतिलिपि भी नहीं छोड़ी गई, पूरी की पूरी प्रतिलिपि को जला दिया गया, उसे लोगों के समक्ष प्रकाशित होने नहीं दिया गया। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी के एक बहुत अच्छे मित्र थे जो जमाना पत्रिका के दौरान उनके संपादक भी रहे, सह संपादक रहे, जिनका नाम था मुंशी दयाराम निगम। ध्यान से सुनिएगा, इसके पीछे की घटना यह है कि जब सोजे वतन की प्रति जला दी गई, उसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी जो बहुत ज्यादा हताश और निराश थे, उन्हें लगा कि अब मैं क्या लिखूंगा, अंग्रेजों ने मेरे मतलब उन्हें लिखने से एक तरह से बैन लगा दिया कि आप आगे से नहीं लिखेंगे, तो इस वजह से प्रेमचंद बहुत उदास थे। तो उनके जमाना पत्रिका के सह संपादक मुंशी दयाराम निगम ने उन्हें सलाह दी कि आपको ठीक है, आपके ऊपर बैन लगाया गया, आपसे यह कहा गया कि आप कुछ पत्रिका या संपादन कार्य नहीं कर सकते, तो आप नाम बदल के क्यों नहीं लिखते हैं। तो उन्होंने उन्हें सलाह दी और उन्हें कहा कि आप प्रेमचंद नाम से लिखा कीजिए। जहाँ मुंशी प्रेमचंद जी का पूरा नाम जो असल नाम था धनपत राय था, उस समय यह कहा गया कि आप प्रेमचंद नाम से लिखिए। तो उनकी सलाह को मानते हुए मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखना शुरू किया जमाना पत्रिका में। फिर उनकी आगे की पत्र पत्रिका निकाली, और उस दौर में क्या होता था, लोग सिर्फ पत्र पत्रिकाएं के विषय विषय विशेषज्ञ से विषय से ही संबंधित चीजों पे ध्यान देते थे। तो यही अब दौर था जिस समय लोगों ने विषय पे ध्यान देना शुरू किया, और जो विषय कोई भी छपता था वो तो उसके नीचे संपादक में दो नाम आते थे, एक मुंशी, मुंशी नाम दयाराम निगम जी का था वो, और दूसरा नाम रहता था प्रेमचंद। तो जिस तरह हम जानते हैं भाषा परिवर्तन के बहुत सारे कारण है कि भाषा परिवर्तित होती होती वो मुंशी और प्रेमचंद अलग अलग नाम से एक नाम पे हो गया। तो आगे बढ़ के लोग मुंशी प्रेमचंद जी को मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से जानने लगे, और मुंशी प्रेमचंद जी इसी नाम से आगे चल के सारे भारत ही नहीं पूरे विश्व उपन्यास में बहुत बड़ा नाम के साथ में आगे बढ़े। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कैसे धनपत राय से प्रेमचंद और प्रेमचंद से मुंशी प्रेमचंद वो बने। और प्रेमचंद जी की खासियत ये है कि उन्होंने उपन्यास में, उपन्यास तो हर दौर में लिखी गई, लेकिन उनके उपन्यास की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने सामाजिक मुद्दों को अपने उपन्यास में दर्शाया। आजादी से पहले की लिखे गए उपन्यासों में जैसे हम जानते हैं किसानों, जमींदारों और भारतीयों का शोषण बहुत ज्यादा मात्रा में होता था, चाहे वो अंग्रेजों के माध्यम से हो, चाहे समाज में मौजूद बड़े बड़े धनी लोगों के द्वारा हो। तो यही सब मुद्दे, जो जमीन जो हकीकत वाले मुद्दे हैं, उन्हें प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में स्थान दिया। इससे पहले के उपन्यास जो भी लिखे गए थे, चाहे दृष्टि नंदन खत्री हो, चाहे उर्दू में लिखे गए बहुत सारे उपन्यास, चाहे मौलाना सरार के उपन्यास हो या चंद्रकांता जैसे हम उपन्यास कहते हैं, वो सब ज्यादातर तिलिस्म यानी काल्पनिक चीजों को ज्यादातर रखा जाता था। तो लोग हाँ एक तरह से उसके प्रति आकर्षित होते थे, किंतु उपन्यास में जब प्रेमचंद जी का काल आया, जब इन्होंने लिखना शुरू किया, तो इन्होंने समाज को हकीकत से जोड़ने का काम किया। इन्होंने कहा ठीक है, काल्पनिक दुनिया तो एक अलग सी चीज है, लेकिन हमारे समाज में तो घटित चीजें हो रही है। क्या हो रही है, किसान जो खेती करता है उसे कर देना पड़ता है, इस वजह से वो
3 टाइम भरपेट खाना भी नहीं खा पाता। जमींदार वर्ग ऐसा है जिसका शोषण समाज में अंग्रेज शासकों द्वारा या बड़े जमींदारों द्वारा होता है। जो आम गरीब लोग हैं उसके ऊपर शोषण होता है अंग्रेजों के द्वारा। तो शोषण अलग अलग माध्यम से होता है, उसके उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही था कि आजादी की मांग थी, इस वजह से भी शोषण होता था। इन्हीं सब चीजों को उठा करके उन्होंने अपने साहित्य में जगह दी। और आप सबको पता होगा कि प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनके उपन्यास कृतियों के लिए उन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है। और प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास, मुख्य रूप से जो उपन्यास सबसे ज्यादा चर्चित रहे, उसमें सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, निर्मला है, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि इत्यादि इत्यादि। और उन्होंने लगभग लगभग 100 से भी ज्यादा कहानियां लिखी है जो कि कई खंडों में प्रकाशित भी हुई है। जैसा पूछ की रात होगी, नियोर हुआ, नेकी हुआ, दो बैलों की कथा हुई, जेल, जुलूस, झांकी, ठाकुर का कुआं, इनमें से कई आपने पढ़ा भी होगा। उन्होंने कई कहानी संग्रह भी निकाले। प्रेमचंद जी के मुख्य कहानी संग्रह की बात की जाए तो उसमें सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी आदि आदि है। साथ ही साथ प्रेमचंद जी एक बहुत अच्छे नाटककार भी थे। उन्होंने संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी जैसे बहुत बेहतरीन किस्म के नाटक भी लिखे गई। निबंध की बात करें तो निबंध में भी प्रेमचंद का हाथ अछूता नहीं रहा। उन्होंने साहित्य के उद्देश्य, पुराना जमाना, नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी, कला, जो कि 3 भागों में बाद में प्रकाशित हुई, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदू उर्दू की एकता नामक बहुत सारे निबंधों की भी रचना की। अनुवाद की बात की जाए तो एक बहुत रोचक सी बात है कि प्रेमचंद एक सफल अनुवादक भी थे। उन्हें सिर्फ ना सिर्फ हिंदी, उर्दू, फारसी बल्कि अंग्रेजी भी वो बहुत अच्छा जानते थे। यही काम उन्होंने आगे बढ़ के टॉल्स्टॉय की कहानियां, जो 1923 में, उसके बाद गार्ल्स वर्दी की 3 नाटकों का हड़ताल 1930 में, चांदी की डिबिया 1931, न्याय 1931 नामक बहुत सारे अनुवाद किए। जीवनी की बात की जाए तो प्रेमचंद ने स्वयं से कभी कोई जीवनी लिखी नहीं। हाँ, प्रेमचंद जी के देहांत के बाद उनकी जो धर्मपत्नी या उनके जो बेटे हुए, उन्होंने प्रेमचंद जी की जीवनी को 2 भागों में, अलग अलग रूप में 2 भागों में बाहर किया। यह पुस्तक एक बार तो 1944 और दोबारा 2005 में संशोधित करके हम सबके बीच में प्रकाशित हुई। तो इससे हम यह जान सकते हैं कि प्रेमचंद साहित्य में इतना बड़ा नाम यूं ही नहीं कमा लिए। इसके लिए उन्हें साहित्य में ही नहीं, समाज से भी बहुत हद तक जूझना पड़ा। और इसी कश्मकश, इसी साहित्य और समाज को जो उन्होंने जीवन में अपने अनुभव किया, जैसा हम लोगों ने पहले चर्चा की कि उपन्यास किसे कहते हैं, जो जीवन में हम सुख दुख का अनुभव करते हैं उसे तारुण्यता के साथ हम सामने रखते हैं, उसे उपन्यास कहा जा सकता है। तो हाँ, प्रेमचंद ने जीवन में बहुत कुछ, जो भी जीवन में अनुभव किया, उसे उन्होंने अपने उपन्यास, अपने साहित्य के माध्यम से सामने रखा। यही कारण था कि प्रेमचंद इतने बड़े उपन्यासकार के तौर पर प्रसिद्ध हुए। अब दूसरी बात यह है प्रेमाश्रम, जो हमारा आज का विषय है कि प्रेमाश्रम। तो प्रेमाश्रम के बारे में मैं थोड़ी बहुत चर्चा करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। प्रेमाचंद प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। इसमें तत्कालीन कृषि समाज, इसकी जो मुख्य पृष्ठभूमि है, यह कृषि समाज की पृष्ठभूमि है। इसमें तत्कालीन कृषि समाज की उभरती हुई तस्वीर की चर्चा की गई। उनके 8 में से 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास कृषि केंद्र पे ही आधारित थे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रेमचंद के ज्यादातर उपन्यासों में, यह जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई 8 उपन्यास, उसमें से 3 उपन्यास प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान, ये 3 वो उपन्यास थे जो कृषि जीवन पे आधारित उपन्यास थे। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान, ये 3 उपन्यास कृषि जीवन पे आधारित थे। और गोदान उपन्यास को तो कृषि जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। कृषि समस्या से यहाँ हमारा आज, जब हम प्रेमाश्रम पढ़ते हैं, या आप लोगों ने भी पढ़ा होगा प्रेमाश्रम कृषि में, तो हम जब प्रेमाश्रम पढ़ते हैं और उसमें जब हम कृषि समस्या की बात करते हैं, तो इसका संबंध खेती की उत्पादकता बढ़ाना या खेती में मशीनों का प्रयोग करने से नहीं है। जब कृषि की हम बात करते हैं, कृषि समस्या से उनका सीधा संदर्भ अर्थ है कि समाज आर्थिक संबंध व्यवस्था में, समाज और आर्थिक, मैं यहाँ पर एक दो दो शब्दों को जोड़ रहा हूँ, समाजार्थिक व्यवस्था में या समाजार्थिक संबंध में कृषि का क्या योगदान है। यानी कि समाज में कृषक वर्ग होता है, वह कृषि तो करता है, पर समाज उसे अपने अपने समाज में, अपने समाज में उसे समाज किस ओर, किस नजर से देखता है, क्या स्थान देता है।
आज के समय में ही, उस समय 1922 में लिखे प्रेमाश्रम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आज के समय भी हम देखते हैं कि समाज में कृषकों की, जो एक समाज है जो अनाज उगाता है, जिसे हम खाते हैं, जो हमारी जीने की एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उनका समाज में क्या स्थान है उस दौर में, आज के दौर से हम अगर आज के दौर में देखें तो हम सोच सकते हैं आज के दौर में जो स्थान है उस समय कोई बेहतरीन नहीं रहा होगा। आज धीरे 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 हालत थोड़ी सुधर रही है। आप सोचिए वो एक दौर था जब देश को आजादी भी नहीं मिली हुई थी, वो दौर में ऊपर से एक स्वतंत्रता की आजादी की मांग चल रही थी, दूसरा बहुत सारे जो आज के समय पे हम देखें तो बहुत सारे प्रांतों में बहुत सारे भागों में देश बटा हुआ था, हर जगह कहीं राजा हुआ करते थे, कहीं जमींदार हुआ करते थे, वो अलग अलग प्रकार से टैक्स लगा देते थे, कर वसूलते थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी उस दौर में समाज में कृषकों की। इस दौर में ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय सामंतिक शक्तियों के शैतानी गठबंधन से चेतना वाला शोषण चक्र अपने क्रूरतम रूप में मौजूद था। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में एक परंपरा थी, जो मैं इस संदर्भ इस किताब की किताब से ही उठा करके पढ़ रहा हूँ ये संदर्भ। इस संदर्भ का अर्थ यह है कि समाज में जरूरी नहीं कि ब्रिटिश साम्राज्य आने के बाद ही क्रूरता बढ़ी, शुरू शुरू में अगर हम देखें तो समाज भी विभिन्न जातिगत आधारों पर बटा हुआ था, धर्म के आधार पर बटा हुआ था, बोली भाषा के आधार पर बटा हुआ था। तो इसने भी एक बहुत बड़ा काम किया कि समाज को बांटा, और कृषक वर्ग के साथ साथ अन्य वर्ग को जातिगत आधार पर भी बांटने का बहुत बड़ा काम किया, जिसकी एक बहुत बड़ी रूपरेखा हमें प्रेमाश्रम उपन्यास में देखने को मिलती है, जहाँ पे एक प्रसंग आता है इस उपन्यास में कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में एक परंपरा थी कि साल भर की उपज का एक हिस्सा राजा का भाग माना जाता था। यानी कि कर की व्यवस्था क्या थी कि साल अंग्रेजों के आने से पहले अगर हम देखें भारत में कर की व्यवस्था क्या थी कि किसान साल भर में जो कुछ भी उगाता है उसका कुछ 1% वह अपने राजा या अपने जमींदार को दिया करता था कर के अनुसार। यह अंग्रेजों के आने से पहले की थी। अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुई कि यही चीजें थी, वो कर देता था लेकिन कर में बदलाव नहीं होते थे। राजा का जब शासन काल था उसमें कर में क्या मौसम की मार या फसल के आधार पर भी कम कर की व्यवस्था होती थी। सपोज किसी वर्ष अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो उस वर्ष क्या कर में भी छूट दी जाती थी, लेकिन अंग्रेजी शासन आने के बाद इसमें बदलाव किया गया और कर में किसी प्रकार की छूट देने से मनाही कर दी गई। मतलब जो कर पहले से निर्धारित है वही कर दिया जाएगा, उसमें चाहे तुम्हारी खेती अच्छी हो ना हो, तुम्हारे फसल अच्छे हो ना हो, तुम खाना खाओ ना खाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, निर्धारित कर तुम्हें देना ही पड़ता था। तो यही पूरी की पूरी पृष्ठभूमि है इस उपन्यास प्रेमाश्रम की। जहां हम बात करते हैं उपन्यास प्रेमाश्रम में, तो दो तीन चीजों का प्रभाव इस उपन्यास में देखने को मिलता है। अगर आपके आप लोग अपनी किताबें भी देखें तो उसमें दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट रूप में देखी गई हैं कि प्रेमचंद की उस उपन्यास का लिखना, इस उपन्यास के कालखंड के पीछे जो पृष्ठभूमि रही है कहीं ना कहीं वो उस दौर की आजादी के संग्राम की भी पृष्ठभूमि रही गई है। आजादी के संग्राम में मुख्य बिंदु इस तरह से मैं जोड़ सकता हूँ कि चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ, इसके बाद एक आंदोलन हुआ खेरा सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ 1918 में, तीसरी आंदोलन की बात करूं तो अवध का किसान आंदोलन जो 1921 और 22 के बीच हुआ, और इसी के बाद सन 1922 में प्रेमाश्रम उपन्यास हम सबके सामने में प्रकट होता है किसानों की समस्या को लेकर के। तो सीधा से भी हम यह कह सकते हैं कि इन तीनों आंदोलन का भी एक बहुत बेहतर और बहुत जीता जागता उदाहरण, या बहुत जीता जागता एक तरह से कहें तो चलचित्र या जीता जागता हमें छायाचित्र इस उपन्यास के द्वारा भी देखने को मिलता है, प्रेमाश्रम उपन्यास के द्वारा। प्रेमाश्रम उपन्यास में समस्याओं की बात की जाए, किन समस्याओं को सामने रखा गया है, किन समस्याओं को ध्यान में रखकर इस उपन्यास के निर्माण किया गया है, प्रेमचंद किन चीजों को इस उपन्यास के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करने का काम करते हैं, तो डॉक्टर रामवृक्ष बेनीपुरी की एक इसी किताब में, इस किताब के ऊपर लिखी गई एक छोटी सी निबंध है, उसका उसके एक लाइन है कि तीन तरह के किसान होते थे उस दौर में, जब प्रेमाश्रम लिखी गई थी उस दौर में तीन तरह के किसान होते थे। एक किसान जिनके पास खेती करने के लिए भूमि तो बहुत होती थी पर वो खेती नहीं करते थे अपनी भूमि पर, दूसरे प्रकार के वो किसान होते थे जिनके पास खुद की खेती की भूमि नहीं होती थी, वो दूसरों की खेती की भूमि पर खेती करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तीसरे दो तरह के और एक किसान थे जिनकी खुद की भूमि थी और वो अपने ही भूमि पर खेती करते थे। तो प्रेमचंद जी ने तीसरी श्रेणी, भूमि
किसान तीसरी श्रेणी का, जिनके खुद की भूमि होती थी और वो खुद के भूमि पे अपना काम करते थे, स्वयं अपने जीवन का उपार्जन का कार्य करते थे। इस तीसरे किस्म के किसानों की जीवन को उठा करके फ्रेम आश्रम में रखने का सार्थक प्रयास किया गया, जो बहुत हद तक सार्थक और सफल भी रहा है। जब हम बात करें प्रेमाश्रम उपन्यास की, तो दो तीन चीजें हमारे सामने में स्पष्ट रूप से जो हमें देखने को मिलती है। पहला चीज कि इसकी प्रस्तावना क्या रही है इस उपन्यास की, तो एक तरह से कह सकते हैं कि यह सुविदित तथ्य है कि प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को स्थूल मनोरंजन यानी काल्पनिक कथाओं से बाहर निकाल करके उपदेशात्मक उपन्यास के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। उपदेशात्मक से अर्थ क्या है कि जब हम प्रेमचंद के किसी भी उपन्यास को पढ़ते हैं, तो वह किसी न किसी विशेष कारण वर्ग के आधार पर लिखा रहता है, उसका कोई ना कोई एक उपदेश, उसकी कोई ना कोई एक निष्कर्ष निकल करके आती है। वही प्रेमचंद से पहले के उपन्यास देखिए जो काल्पनिकता पर आधारित होते थे, चंद्रकांता की बात कर ली जाए और भी उपन्यास, वो काल्पनिक दुनिया में लोगों को लेके जाते थे, उसका यथार्थ से दूर दूर तक तो कोई नाता नहीं होता था। वही मुंशी जी के उपन्यासों में हमें सिर्फ और सिर्फ यथार्थ देखने को मिलता है, वो समाज के विभिन्न वर्ग विभिन्न क्षेत्र से उठ करके आते हैं। प्रेमचंद के आविर्भाव से पहले हिंदी में या तो पाठकों की कौतूहल वृत्ति को जगाकर उसे संतुष्ट करने वाले मनोरंजन प्रधान उपन्यास थे, या फिर ऐसे उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास जो वर्णीय समस्या की जटिलता में उतरे बिना सीधे सीधे पाठकों को उपदेश देने का काम करते थे। प्रेमचंद ने पहली बार अपने समय के समाज को तमाम तरह की बुराइयां कुरीतियों के साथ विविधताओं एवं जटिलताओं और बदलावों के साथ उपन्यास का विषय बनाया, उपन्यास में उसे प्रस्तुत किया। इससे पहले के दौर के जो उपन्यास थे, उन्होंने समाज के किसी वर्ग को छूना महत्वपूर्ण नहीं समझा, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से प्रकाशक का दौर था, जो प्रकाशित ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने उपन्यासों या अपने कथा अपनी कहानियों को लोगों के समक्ष रख देता था। एक तरह से जिसकी प्रतिलिपियां ज्यादा छप जाती थी, उसे विशेष या महान प्रकार का उपन्यास के तौर पर मान लिया जाता था। यह तो होगी उपन्यास की बात। अब आगे बढ़ते हुए हम सिर्फ और सिर्फ प्रेमाश्रम की बात की जाए, तो प्रेमाश्रम मुख्य रूप से उपन्यास कृषक जीवन पर आधारित है, और इसमें दो मुख्य चीजें निकल के आती है, पहला कृषक वर्ग, दूसरा जमींदार वर्ग। दो चीजों के इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी उपन्यास प्रस्तुत की गई है। जहां पर हम बात करते हैं कृषक वर्ग और जमींदार वर्ग की, तो इसमें पात्रों में एक है ज्ञान शंकर, जो आप लोगों ने किसी ने उपन्यास पढ़ा हो प्रेमाश्रम, ज्ञान शंकर एक चरित्र है, एक चरित्र है गायत्री देवी, एक चरित्र है राम कमलानंद और एक चरित्र है प्रभा शंकर। इन चरित्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने तत्कालीन जमींदार वर्ग की बहुत मुकम्मल तस्वीर पेश की है। इस बात पे दो राय नहीं हो सकते कि प्रेमा शंकर और ज्ञान शंकर के आमने सामने रख के उन्होंने किस प्रकार पुराने जमींदार प्रथा और नए जमींदार प्रथा के फर्क को रेखांकित करने का प्रयास किया है, और कैसे इस फर्क को अंग्रेजी राज में उभरती नई परिस्थितियों से जोड़कर दिखलाया गया है। राय कमलानंद विष दिए जाने के बाद ज्ञान शंकर से जो बात कहते हैं, एक विशेष मैं प्रसंग का यहाँ पे उदाहरण के तौर पर रखता हूँ, जिसे समझने या पढ़ने के बाद आपको यह आपकी यह दुविधा आपकी यह द्वंद्व दूर हो जाए कि प्रेमचंद मुख्य रूप से इस उपन्यास में किस विचारधारा और किस भाग को समाज के किस परिप्रेक्ष्य को उदाहरना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रसंग है जहाँ पे राय कमलानंद विष दिए जाने के बाद ज्ञान शंकर से बातें करते हुए कहते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है, इसे सियासत कहना भूल है, यह निरी दलाली है। तुम कहोगे सियासत इतनी बुरी चीज है कि उसे छोड़ क्यों नहीं देते। हाँ, यही तो रोना है कि सियासत ने हमें विलासी आलसी और अपाहिज बना दिया है। हम किसी काम के नहीं रहे, हम पालतू चिड़िया हैं, हमारे पंख शक्तिहीन हो गए हैं, हम में अब उड़ने की सामर्थ्य नहीं बची है, हमारी दृष्टि सदैव अपने पिंजरे के कुहलियों और प्याली पर रहती है, हमने अपनी स्वाधीनता को मीठे टुकड़ों में बेच दिया है। यह कहने का सीधा साधा अर्थ यह है कि वो दौर था जब जमींदार प्रथा भी जो थी, जो जमींदार भी थे, वह मुख्य रूप से जो जमींदार प्रथा थी, जो मुख्य रूप से वह अंग्रेजों के ही अधीन थी। जमींदारों के अंतर्गत किसान आते थे और जमींदार स्वयं अंग्रेजों के अधीन आते थे। वह अंग्रेजों के एक तरह से कहें तो भरोसेमंद और शोषण वर्ग में आते थे, जो साथ में मिल करके, जो
तो साथ में मिल करके किसानों का शोषण किया करते थे। तो एक तरह से प्रेमाश्रम की बात की जाए तो निश्चित रूप से प्रेमाश्रम किसानों की तो बात करता ही है, साथ ही साथ जमींदारों की भी एक हकीकत हमारे सामने प्रस्तुत करने का बहुत अच्छा कार्य करती है, जहां पे हमें यह देखने को मिलता है कि किस तरह से वो अपने देश अपने लोगों के साथ ना हो करके अंग्रेजों के साथ होकर अपने देश अपने राज्य अपने भूमि के किसानों पर अत्याचार करते थे। उनका अत्याचार करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता था कि हमारे अंग्रेज जिनके अधीन में हम हैं वो हमसे बहुत ज्यादा खुश होंगे, और अगर उनकी अगर इसी प्रकार हम उन्हें खुश रखें उनकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे तो हम और उन्नति करेंगे। लेकिन यह सच नहीं था, क्योंकि किसानों के प्रति ना तो अंग्रेजों को किसी प्रकार का कोई सांत्वना थी, ना ही जमींदार वर्ग के प्रति कोई उनकी सांत्वना थी। जमींदारों को उन्होंने सिर्फ इसलिए अपना भरोसेमंद बना के रखा था क्योंकि वो वहां के किसानों की बोली भाषाएं जानते थे और ये उन्हें मदद करते थे ज्यादा से ज्यादा कर वसूलने में। तो हर किसी की अपनी अपनी स्वार्थता थी, सिर्फ और सिर्फ किसान को छोड़ के। किसान का स्वार्थ इतना था कि वो भूमि में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता था, अपना पालन पोषण करना चाहता था। वहीं जमींदार का स्वार्थ था यह था कि मैं किसान से ज्यादा मात्रा में कर वसूलूं, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर मैं कर अंग्रेजों को दूं तो अंग्रेजों की एक तरह से कहें तो छाया दृष्टि हमारी ऊपर बनी रहेगी और अंग्रेजों से हमें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। वही अंग्रेजों का स्वार्थ था कि किस प्रकार से हम जमींदार और किसानों को आपस में लड़वाएं, उनके बीच में एक गहरी खाई हम प्रस्तुत करें और उससे हमारा फायदा यह हो कि हमें ज्यादा से ज्यादा अर्थ की प्राप्ति हो। तो जो तीन चीजें जो तीन धाराएं इस उपन्यास में मुख्य रूप से बटी हुई दिखती है, तीनों ही तीनों अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी न किसी विशेष वर्ग का शोषण करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी शोषण की कहानी इस उपन्यास में दी गई है। प्रारंभ के ही 20 पृष्ठों में यह बात हमें देखने को मिल जाती है कि 20 बीघे का काश्तकार मनोहर अपने घर की दुर्दशा की सूचना देते हुए, 20 बीघे माने एक किसान है जिसके पास 20 बीघे की जमीन है, फिर भी वो अपनी दुर्दशा की सूचना देते हुए दूसरे से कहता है कि घर में कुछ पूंजी भी तो हो, अभी रबी में महीने भर की देर है और घर में अनाज का दाना नहीं है, गुड़ 100 रुपए से कुछ ऊपर हुआ है लेकिन बैल बैठाऊ हो गया है, 150 रुपए लगेंगे तब कहीं एक बैल आवेगा, दुखरन भगत का रोना है 5 बीघे रबी बोई है लेकिन 10 मन की भी आशा नहीं है, और गुड़ का तुम जानते ही हो जो हाल हुआ है, कुल्हाड़े से ही बिशेर शाह ने तोल लिया, बाल बच्चों के लिए सीरा तक ना बचा, देखिए भगवान कैसे पार लगाता है। यहाँ में किसान की स्थिति इन बातों से एक तरह से यह लगा सकते हैं, जहां किसान के पास 20 बीघे की जमीन है, उसकी फसल अच्छी नहीं हुई है, फिर भी उसे कर देना है, इस चिंता में वह दूसरे किसान से कहता है कि इस बार तो फसल भी अच्छी नहीं हुई है और बैल भी बैठ गया। बैल बैठ गया का अर्थ है कि पहले जो खेती बाड़ी होती थी वो बैल के ऊपर होती थी, आज के जैसे आधुनिक मशीनीकरण का युग उस समय था नहीं। तो साधारण सी सी बात वो यहाँ पे यह कहता है किसान दूसरे किसान से कि खेती भी नहीं हुई है और प्राकृतिक की मार यह है कि मेरी बैल की भी तबीयत अब खराब है और ऊपर से मुझे घर का भी पालन पोषण करना है, अपने पत्नी का अपने बीवी बच्चों अपने बाल बच्चों का भी मुझे ध्यान रखना है। तो हम एक तरह से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौर में किसान की एक आम से किसान जिसके पास अपनी खुद की जमीन थी उसके बाद भी उसकी हालत यह थी कि वह अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी असक्षम सा था। खेती पर निर्भर इस पूरे समुदाय की एक ऐसी गरीब की चित्र उपन्यास में जगह जगह अंकित है। सबसे बुरा एक प्रसंग इस उपन्यास में आता है जहाँ भावी जमींदार मायाशंकर अपने इलाके का दौरा करते हुए, मायाशंकर का अनुभव कुछ इस प्रकार रहता है कि चारों तरफ तबाही छाई हुई है, ऐसा बिरला ही कोई घर था जिसमें धातु के बर्तन दिखाई देते हो, इतने घरों में लोहे के तवे तक न थे, मिट्टी के बर्तनों को छोड़कर झोपड़े में और कुछ न दिखाई देता था, न ओढ़ना न बिछौना, यहाँ तक कि बहुत से घरों में घाटे तक न थे। वह घर थे क्या? एक एक दो दो कोठरियां थी, एक मनुष्यों के लिए एक पशुओं के लिए, उसी एक कोठरी में खाना सोना उठना बैठना सब कुछ होता था, बस्तियां इतनी घनी थी कि गांव में खुली हुई जगह दिखाई ही नहीं देती थी, किसी के द्वार पर सहन नहीं हो पाता हवा और प्रकाश का, शहरों की घनी बस्तियों में इतना अभाव ना होगा। जो किसान बहुत संपूर्ण समझे जाते थे उनके बदन पर साबित कपड़े न थे, उन्हें भी एक जून
चवेना पर ही काटना पड़ता था। चवेना कहते हैं चना से, वह भी ऋण की बोझ से दबे हुए थे। अच्छे जानवरों को देखने और आंखों में अच्छे जानवरों को देखते उनकी आंखों में तरस जाती थी। जहां देखे छोटे छोटे मरियल दुर्बल बैल दिखाई देते थे और खेतों में रेंगते और चरनियों और अघाते कितने ही ऐसे गांव थे जहां दूध तक का मयसर होता था। यहाँ तक कि उस दौर में किसान की स्थिति तनिक भी अच्छी नहीं थी। एक किसान के घर में खाने को छोड़िए उसके पास जानवर नहीं होता था। बिना जानवर के वो किसान किस तरह से खेती करे और वो किसान किस तरह से ऋण दे। इन्हीं चीजों को उठाकर के प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत करने का पूरा हर संभव प्रयास किया है। प्रेमाश्रम में तीन शहरी मध्य वर्ग के प्रतिनिधि थे। प्रेमाश्रम उपन्यास की जब हम बात करते हैं उनके पात्रों में बात करते हैं तो वहाँ तीन शहरी मध्य वर्ग के प्रतिनिधि रहते थे। एक है बैरिस्टर इरफान अली, दूसरे हैं डॉक्टर प्रेमनाथ चोपड़ा और तीसरे हैं इजाद हुसैन। यह शहर के मध्य वर्ग के परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं इस उपन्यास में। बैरिस्टर इरफान अली अपने पेशे की लगातार बुराइयां करते हुए उस पेशे से होने वाली गलत सही कमाई के गुलाम बने हुए हैं। वे हत्या के आरोप में फंसाए गए किसानों के मुकदमे की पैरवी करते हैं, लेकिन रुपए के न मिलने और रुपए के अधिक रुपए के लोभ में वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर लेते हैं और किसानों को सजा हो जाती है। इसी तरह डॉक्टर प्रियनाथ चोपड़ा धन के लोभ में गलत डॉक्टरी रिपोर्ट देकर किसानों को फंसाने में सहायक बनते हैं। इजाद हुसैन हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का व्यवसाय चलाने वाले जालसाज हैं जो जनता का काम करने की आड़ में जीवन की सुविधाएं बटोर रहे हैं। इन तीनों पात्रों के आरंभिक विकास को दिखलाने में प्रेमचंद ने यथार्थवाद पद्धति अपनाई है और राष्ट्र आंदोलन से लेकर किसान संघर्षों तक के प्रति तत्कालीन अवसरवादी और सुविधाजीवी मध्यवर्गी का जो रवैया है उसे पेश किया है। इस प्रसंग को यहाँ पे पढ़ने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के पीछे सबसे मुख्य कारण यह है कि यह उपन्यास सिर्फ और सिर्फ कृषि जीवन पर ही आधारित नहीं है। यह उपन्यास बहुत सारे चरित्रों को अपने आप में समाये हुए हैं। एक और जब शुरुआत में प्रेमचंद कहते हैं कि यह उपन्यास पूरे रूप से कृषक प्रधान उपन्यास है और इसमें कृषि जीवन और जमींदारी प्रथा से जुड़े हुए बहुत सारे रूप हमें देखने को मिलते हैं, वो पात्रों के माध्यम से हो या यथार्थ के माध्यम से, वही एक इसमें मध्य वर्ग भी देखने को मिलता है जिसमें मुख्य रूप से तीन नाम जैसे मैंने लिया, बैरिस्टर इरफान अली, डॉक्टर प्रियनाथ चोपड़ा और इजाद हुसैन। यह वह तीन मध्य वर्ग है जिसमें एक पैसे के लिए केस तो ले लेता है लड़ने को वकील के तौर पे, लेकिन वो दूसरे पक्ष से ज्यादा पैसा मिलने की वजह से वो पहले पक्ष का केस छोड़ देता है। उस वजह से गरीब किसानों को जेल हो जाती है। वो गरीब किसान जो फीस की रकम उससे अपने घर का अनाज बेच करके, अपने घर की पशु पक्षियों को बेच करके उस वकील की बात की जाए, उस वकील को फी अदा करते हैं और वो वकील दूसरे पक्ष से जब ज्यादा पैसा उसे मिलता है तो वह इस केस को पूरी तरह से छोड़ देता है। वहीं एक दूसरा पक्ष दिखता है डॉक्टर प्रियनाथ चोपड़ा का और इजाद हुसैन का। दोनों ही किसी न किसी रूप में किसानों का शोषण करते हुए ही नजर आए हैं। कथाकार का आदर्शवाद, इस उपन्यास की बात किया तो आदर्शवाद मुख्य रूप से इस उपन्यास में कहीं देखने को नहीं मिलता। एकाध दो जगह को हम छोड़ दें तो आदर्शवाद कहीं देखने को नहीं मिलता। ना तो अंग्रेजों के रूप में आदर्शवाद देखने को मिलता है, ना जमींदारों के तौर पे हमें आदर्शवाद देखने को मिलता है, ना ही ना हमें मध्यवर्गीय जमींदार परिवार या मध्यवर्गीय परिवार के तौर पर आदर्शवाद देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ मुख्य रूप से एक ही चीज नजर आती है, स्वार्थवाद। हर समाज अपने आप में स्वार्थी हो जाता है। उसका सिर्फ और सिर्फ यही स्वार्थ रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा धन अर्जन करूं, और धन अर्जन करने का भी माध्यम होता है मैं किस प्रकार से ज्यादा किसान जो कि शोषित एक वर्ग पहले से है उसे और शोषित करूं और उनके ऊपर पांव रख करके मैं और ज्यादा तरक्की करूं और ज्यादा पैसे की लालसा रखूं। लेकिन यही नहीं, इस उपन्यास में एक बहुत अच्छे पात्र हैं माया शंकर जैसे जमींदार भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि अमेरिका से पढ़ करके आते हैं और कृषि का पढ़ाई पढ़ करके आते हैं, और साथ ही जब वो अपने गांव वापस लौटते हैं उन्हें अपने कृषक लोगों की स्थिति खास अच्छी नहीं लगती है। इसलिए जो भी उन्होंने अपनी पढ़ाई की हुई होती है वो विदेश में जा करके या कहीं बढ़िया अंग्रेजी सैलरी पे काम करना ठुकरा करके वो गांव में कृषकों के लिए सहायता करते हैं, किस प्रकार से नवीन प्रकार की खेती की जाए यह सिखाते हैं, गांव गांव भ्रमण करते हैं और वह चाहते हैं कि हमारा कृषक समाज भी
एक तरह से आगे बढ़ते हुए उन्नति करे और हमारा कृषक समाज पीछे ना रहे। जो हम जमींदार वर्ग की बात करते हैं तो कुछ एक आध दो पात्र हमें अच्छे देखने को मिलते हैं, जैसे माया शंकर की मैं बात कर रहा हूँ। यही नहीं, जब हम महिला पात्रों की बात करते हैं तो एक और हमें महिला पात्रों में कई सारे महिलाएं पात्र भी देखने को मिलती हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं प्रमुख नारी पात्र में गायत्री राय की, जो कि कमलानंद की पुत्री है, विद्या की बड़ी बहन भी है। विद्या और श्रद्धा दो बहनें हैं, उनका भी चरित्र हमें इस नारी पात्र देखने को मिल सकता है। सिर्फ यही नहीं, आगे की बात करें तो बिलासी कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, जो बहुत महत्वपूर्ण महिला पात्र नारी पात्र है इस उपन्यास की। वह लखनपुर के किसान मनोहर की पत्नी है और बलराम की माँ है। प्रेमाश्रम में यदि जमींदारों के अत्याचारों के प्रतिरोध में किसी महिला ने आवाज उठाई तो वह बिलासी है। उपन्यास का एक अंश उदाहरण के लिए देखते हैं, जमींदार के कारिंदे गांव के चरावर पर रोक लगा देते हैं, कोई अपनी मवेशी चराने वहां नहीं जा सकता। बिलासी पहुंचती है, गौस खां उसके मवेशियों को काजी हाउस ले जाने की धमकी देते हैं, वह नहीं मानती है। गौस खां और उसके कारिंदे मवेशियों को घेर ले जाते हैं। जब जानवर कोई 20 कदम निकल गए तब वह उन्मत्त की भांति दौड़ी और हाँफते हुए बोली, मैं कहती हूं इन्हें छोड़ दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। यह प्रसंग उठाने का एक कारण यह है कि प्रेमचंद ने जहां अपने समाज में दले कुचले पिछड़े वर्गों को दिखाया है, वहीं उन्होंने नारी की एक अलग प्रकार से व्याख्या की है। जहां पे इससे पहले कि हम उनके उपन्यास पढ़े तो सेवा सदन या कर्मभूमि या अन्य उपन्यास कहानी, वहां पे नारी को एक तरह से दबाया गया है, वहीं उन्होंने एक एक चरित्र बिलासी चरित्र के हिसाब से उन्होंने समाज में नारी की स्थिति को बेहतर करने, नारी को हमेशा चुप रहना नहीं, नारी को आवाज उठाने की एक नई प्रकार से नारी को चित्रित चित्रित करने का प्रयास किया है। तो मुख्य रूप से प्रेमाश्रम की बात की जाए तो प्रेमाश्रम में जैसा दो चीजें हम कह चुके हैं, जमींदारी प्रथा, अंग्रेज वर्ग, पुरुष जमींदार वर्ग, और तीसरा चौथा सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग इसमें आता है नारी पात्र। नारी पात्र को इन्होंने बहुत विशेष योगदान और बहुत महत्वपूर्ण तौर पे इसमें रखा है कि जब हम नारी पात्रों की बात करते हैं तो हमारे सामने मुख्य रूप से गायत्री, विद्या, श्रद्धा तीन प्रकार की नारी की सामने आते हैं, लेकिन वो किसी स्तर पे भी पुरुषों के मुकाबले या पुरुषों के समान आवाज उठाने में सक्षम नहीं रहती। वो चाहे कारण अलग रहा हो, चाहे समाज में बहुत सारी कुरीतियां रही हो या कुछ भी रहा हो, उन्होंने वो पुरुषों के समक्ष आवाज नहीं उठाती है। लेकिन वही जब हम बिलासी की बात करते हैं तो वह बाकी तीनों नारी पात्रों से आगे बढ़कर, अलग हट करके एक नए प्रकार से सामने आती है, एक नया अपना रूप प्रस्तुत करती है, एक नए प्रकार का चरित्र चित्रण प्रस्तुत करती है, जो पुरुषों से डरती नहीं है। उसके मवेशी, जहां मवेशी उठा के ले जाने की बात होती है वहां भी वो नहीं डरती है, वो निरंतर लड़ती है अपने हक के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लिए और अपने वर्ग के, अपने साथी महिलाओं की बात की, साथी महिलाओं की भी बात की जाए तो उसके लिए भी लड़ती है। ज्ञान शंकर और प्रेम शंकर दो ऐसे प्रमुख जमींदार पात्र हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा का पूरा, अगर हम बात की जाए, पूरी की पूरी कहानी हमें नजर आती है, जिनके इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी ही बनी हुई है। ये दो ऐसे जमींदार होते हैं जहाँ पे एक होता है वो किसानों पर जितना अधिक हो सके जुर्म करने की कोशिश करता है, तो वहीं पर दूसरा एक ऐसा होता है जो किसानों की मदद करने की कोशिश करता है, अपने शिक्षा से, जो भी वो शिक्षा ग्रहण करके आया है विदेश से, उस शिक्षा के माध्यम से अपने ज्ञान और अपने आधुनिकीकरण को किसानों के साथ जोड़कर किसान को समृद्ध और समाज में एक अच्छा स्थान देने की कोशिश करता है। उपन्यास की अगर हम सारांश के तौर पर बात करें तो हम कह सकते हैं कि ज्ञानशंकर के रूप में प्रेमचंद ने जिस जमींदार का चित्रण किया है वह अत्यंत कठोर और निर्दयी है। वह डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सका, इसका उसे दुख है, लेकिन वह धन मान सम्मान चाहता है और इसके लिए वह सभी तरह के हथकंडे अपनाता है। ज्ञान शंकर का चरित्र पूरे उपन्यास में छाया हुआ है। ज्ञान शंकर के अन्य चरित्र के साथ संबंध और उसके चरित्र के विविध पक्ष इस ओर इशारा करते हैं कि वह स्वार्थी है, अपने अभीष्ट और सिद्धि के लिए। अभीष्ट मतलब जो इच्छा शक्ति है, जो अंदर उसकी दब चुकी है इच्छाएं, उस इच्छाओं की पूर्ति सिद्धि करने के लिए, उस इच्छाएं की प्राप्ति करने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। उसकी दृष्टि में संपत्ति, वैभव, अधिकार और मान ही सब कुछ है। इसके लिए यदि उसे अपने प्रियजनों के पर भी अत्याचार करना पड़े तो वह तत्पर है। लखनऊ जो उसकी आशाओं का स्वर्ग है या उसका ससुराल कहें,
वह वहां से भी पूरी संपत्ति निचोड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि वहां पे उसके ससुराल में कोई भी वारिस पैदा नहीं हो पाता है उसके ससुराल में। वह चाहता है वहां का भी सारा धन मुझे को मिल जाए, और इसके लिए वो अपनी पत्नी पर भी बहुत अत्याचार करता है कि वहां का धन क्यों मुझे जल्द से जल्द और पूरा का पूरा धन मिल जाए। इसके लिए गांव वालों पर भी वो अन्याय करता है, उनके घर जलवा देता है, उनका पानी तक पीना बंद करवा देता है। रामविलास शर्मा जी के शब्दों में कह सकते हैं कि ज्ञानशंकर अपने वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है, वह जितना धूर्त है उतना चतुर नहीं है, इसलिए उसकी बहुत कम योजनाएं सफल हो पाती है। वह जितना धन का लोभी है उतना भी कामी भी है, इसलिए उसकी कामता कभी कभी उसके बने बनाए खेल को बिगाड़ देती है। वह कपटी, छली और दगाबाज है, लेकिन उसमें हिम्मत चोरों के बराबर भी नहीं है। उसकी कायरता पाठक की सहानुभूति दूर कर देती है, वह जितना कायर है उतना कठोर और निर्दयी भी है। वह लखनपुर के किसानों का मुख्य प्रतिनिधि है, और जिस वर्ग के किसानों का मुख्य प्रतिनिधि रहता है, यह उसी वर्ग के किसानों के प्रति किसी भी प्रकार से अच्छी नीयत नहीं रखता, अपने समाज के प्रति अच्छी नीयत नहीं रखता। वो केवल और केवल अपने समाज को लूट करके स्वयं को समृद्ध बनाने के फिराक में रहता है। तो एक तरह से अगर सार की बात की जाए प्रेमाश्रम उपन्यास की, तो हम कह सकते हैं कि प्रेमाश्रम उपन्यास में अलग अलग चरित्रों को, अलग अलग यथार्थ को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करके एक उपन्यास, उच्च कोटि का उपन्यास, जिसकी कथा वस्तु या एक कहें पटकथा कृषि साम्राज्य पे या किसी कृषि समाज पे ही आधारित हो, उसे बहुत ही विस्तृत और बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ सामने रखने का प्रयास किया है। इस उपन्यास के आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और आपके विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सके इस विषय से संबंधित, क्योंकि बहुत बार विद्यार्थियों को प्रश्न आते हैं असाइनमेंट से जुड़े हुए। तो मैं विद्यार्थियों से एक बार और अनुरोध करूंगा कि असाइनमेंट के प्रश्न यहाँ पर ना दोहरा, असाइनमेंट के प्रश्न आपको स्वयं करने के लिए दिए गए हैं, उस प्रश्न के लिए आप लोग खुद किताब पढ़ें और किताब से अपने आंसर ढूंढें। अभी जितनी हमारी चर्चा की गई इसके ऊपर जो भी आपको चर्चा आगे बढ़ानी हो उसके लिए आपके प्रश्न और आपके प्रश्न आमंत्रित है, और यहाँ पे मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हेलो सर। हेलो हाँ सर, हेलो, सुन हेलो। लीजिए। अरे पृथ्वीराज सर, अगर हेमा जैन का भी क्वेश्चन हो तो शामन को हटा। हाँ हेबा मैडम, हेबा मैडम, यस, हाँ लेडीज जो भी क्वेश्चन, राइटिंग, नोबडी इज राइटिंग द क्वेश्चंस, नोबडी हैज रिटन येट। नहीं, मैं किसी ने कुछ तो प्रेमचंद के प्रथम उपन्यास का नाम क्या है, एक विद्यार्थी ने हेलो हेलो। जी हाँ नहीं, क्वेश्चन मैं खुद से ले रहा हूँ मैम। आई विल बी सेइंग द क्वेश्चन। ठीक है, प्रेमचंद के प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के प्रथम उपन्यास का नाम सेवा सदन है, जो 1918 में छपी थी। अभी तक कोई क्वेश्चंस लिखे नहीं है बच्चे। चलिए मैं बच्चों को ही कहता हूँ कि आगे आकर के हमारी चर्चा भी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों से मेरी बातचीत होती रहती है। हमारे ग्रुप भी एक बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप MHD के स्टूडेंट्स का, तो मैं बच्चों को आमंत्रित करता हूँ कि माइक को अनम्यूट करके अगर प्रश्न कुछ करना चाहें तो सादर, आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। हेलो हाँ हेलो, सर, नमस्कार नमस्कार। सर। ये जो इस उपन्यास में केवल कृषि के ऊपर है, शोषण जो प्रजा के ऊपर जो शोषण होता है उसके बारे में इसे वर्णन किया गया है कि कोई दूसरा भी है प्रेमाश्रम में? प्रेमाश्रम उपन्यास की बात की जाए तो यह पूरा का पूरा उपन्यास सिर्फ और सिर्फ कृषि प्रधान समाज पर ही आधारित है। मतलब हम जितने चरित्रों की बात की जाए इस उपन्यास को अगर आप उठा करके पढ़ेंगे, सारे के सारे चरित्र
कहीं ना कहीं रूप में सीधे कहे चाहे किसी और पक्ष से कहे, क्योंकि पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ कृषि जीवन को ही आधारित करते हैं। समाज में कहीं भी स्वाधीनता आंदोलन जो इसके पूर्व वाले को प्रयास किए गए हो, अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो, आप लोगों के पास हो, सेवा सदन जिसे हम कहते हैं या गोदान जिसे हम कहते हैं, वहां पे हमें आजादी के भी हल्के फुल्के कहीं ना कहीं अंश देखने को मिल जाते हैं। पर ये एक वैसा उपन्यास इसमें कहीं भी आजादी उस दौर में जो आजादी का आंदोलन चल रहे थे, आंदोलन के दौर पर कहीं भी यहाँ पे चित्रित नहीं किया गया, ना हमें देखने को मिलती है। हमें अलग अलग रूपों में जमींदारी प्रथा देखने को मिलती है, अंग्रेज शासकों को भी दिखाया गया है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कर वसूलने के पक्ष में, आजादी से संबंधित और किसी प्रकार की इसमें बात नहीं कही गई है। शोषण इसका मुख्य, अगर हम बात करें एक शब्द अगर मैं उठाऊं, शोषण के इर्द गिर्द या पूरी की पूरी है कहानी है उपन्यास, वो चाहे जमींदार वर्ग का शोषण हो, अंग्रेजों के द्वारा मध्य वर्ग का शोषण हो, जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण हो, जमींदार और मध्य वर्ग के द्वारा। ओके ओके सर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस प्लीज इफ एनीवन। सर, पात्र और चरित्र को छोड़कर हम गोदान और प्रेमाश्रम में कैसे भिन्नता देख सकते हैं? गोदान और प्रेमाश्रम में भिन्नता की बात की जाए तो गोदान की पहले से मैं बात करूं, गोदान मेरी बहुत पसंदीदा एक उपन्यास है जिसे मैं कई बार पढ़ चुका हूं, मेरा पसंदीदा उपन्यास है। गोदान जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दो चीजें निकल करके सामने आती हैं जो प्रेमाश्रम में नहीं है। दोनों जगह पहले मैं जो समानता है उसकी बात करता हूँ, फिर विसमानता की बात करूंगा। जब हम प्रेमाश्रम और गोदान की बात करते हैं तो एक समानता है, दोनों के दोनों कृषि समाज पर ही आधारित है। प्रेमाश्रम और गोदान की भिन्नता यह है, गोदान जब हम पढ़ते हैं वहां देखते हैं कि किसान की जब मृत्यु होती है तो वो जो उस समय का जो समाज है, तो जाति प्रथा जो समाज है, वो यह कहा जाता है कि तुम गाय को जब दान करोगे, जो हमारे हिंदू रीति रिवाज में होते हैं कि मृत्यु के उपरांत जो भी क्रियाक्रम होते हैं उसमें दान करने का एक बहुत महत्वपूर्ण रिवाज है, तो उसमें एक दिखाया गया जब दान करने की बात आती है तो वहां पर ब्राह्मण समाज कहता है कि नहीं, अगर तुम गाय दान करोगे तो तुम्हारे जो पति या तुम्हारे जो पिता जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें स्वर्ग जाना, उन्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर तुम गाय दान नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उसे उसकी आत्मा भटकती रहेगी, ये एक चीज है। तो यहाँ पे धर्म की बात आ जाती है, जहाँ पे धर्म की तरह लोगों को डराया जाता है। दूसरी चीज जो गोदान में प्रेमाश्रम में नहीं है, गोदान में है, दूसरी चीज यह है कि जातिगत भिन्नताएं बहुत वहां देखने को मिलती है। जब आप वहां पे उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको एक जगह देखने को मिलेगा कि किस तरह जो उपन्यास का जो पात्र है उसका भाई उसके गाय को जहर देकर के मार देता है, सिर्फ और सिर्फ इस कारण कि मेरा भाई उन्नति ना करे, और इसके लिए वो साठगांठ किससे करता है, वो किसी एक निम्न जाति के लोग के साथ साठगांठ करता है, उसके द्वारा जहर लाता है और अपने भाई के ही घर में पल रहे एक गाय को जहर देकर के मार देता है। प्रेमाश्रम में यह चीज नहीं है, प्रेमाश्रम में कहीं भी जातिगत बात नहीं कही गई है, कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नहीं, ये पूरा का पूरा कृषि पर आधारित है। और शोषण इसका मुख्य रूप से एक कहे तो मुख्य रूप से इसका दायरा जो शोषण के ऊपर है, वही उसका दायरा बहुत अधिक था वहां। एक बात की जाए गोदान में मैं भूल रहा हूँ वहां पे, हाँ वहां आंदोलन की बात कई जगह दर्शाई गई है, जब वहां पे जमींदार, वहां पे दो तीन जमींदार मिलकर के अपने पैसे जो है वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भी निवेश करते हैं। यहाँ जमींदार की बात की जाए, यहाँ कोई जमींदार अपने पैसे निवेश करना नहीं चाहता प्रेमाश्रम में, हर जमींदार चाहता है कि मैं जितना अधिक से अधिक हो पैसे लूट करके पैसे रख सकूं और स्वयं को स्वावलंबी बनाऊं। तो यही मुख्य रूप से जो भिन्नताएं हैं प्रेमाश्रम और गोदान में। और सर, प्रेमाश्रम में राजनीति की परिस्थितियां कुछ देखने को मिलते हैं क्या? प्रेमाश्रम में राजनीति की परिस्थितियां की बात की जाए तो राजनीति की परिस्थितियां एक ही तरह से देखने को मिल जाती है अंग्रेजों की तरफ से, कि अंग्रेजों का सीधा क्योंकि वो दौर जो था तो अंग्रेजों का यह कहना था कि जो जमींदार वर्ग है जो उसी समाज से आते हैं वो उनकी भाषाएं अच्छे से जानेंगे, किसानों को किस तरह से, किसानों को जैसे हम एक शब्द अंग्रेजी में यूज करते हैं हैंडल करेंगे, तो इस वजह से वो एक तरह से अगर हम कहें जाति राजनीति कहीं नहीं थे, राजनीति में स्वार्थ था अंग्रेजों का, हम जमींदारों के द्वारा
कर वसूलेंगे किसानों से और अपने आप को समृद्ध बनाएंगे, वहां पर राजनीति की कोई बात निकलते हुए सामने नहीं आती है। जी सर, बच्चे ने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। प्रेमासरम में पुरुष पात्र कितने हैं और कौन कौन? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो चीज जिसने भी पूछा है उसने शायद किताब खोल के ना लिखा हो। प्रेमाश्रम में जब आप पुरुष पात्र की बात करेंगे तो सामने में ही दिया गया है पुरुष पात्र। मुख्य रूप से पुरुष पात्र तो बहुत हैं। जो मुख्य पुरुष पात्र हैं प्रेमाश्रम में वो प्रभा शंकर हैं, प्रेम शंकर हैं, और प्रेम शंकर परामार्थ एक दूसरा है, और एक है बात को मनोहर और बलराज है। मध्यवर्गीय की जहां बात करें तो वहां डॉक्टर साहब हैं और राय कमलनाथ बहादुर है। तो 8 या 9 मुख्य पुरुष पात्र हैं जो जमींदारी और मध्यवर्गीय परिवार को इस उपन्यास में प्रस्तुत करते हैं। जी धन्यवाद सर। और एक क्वेश्चन है, सेवा सदन किस पर आधारित है? सेवा सदन? जी सर, सेवा सदन एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ। प्रेमाश्रम जो है बजारे हुस्न जो है उसका उर्दू में नाम है, इसका हिंदी रूपांतरण तो सेवा सदन है। यह हाँ, यह एक वेश्यावृत्ति के ऊपर लिखी गई उपन्यास है, जहां पर एक नारी अपने पुरुष से बहुत ज्यादा तंग आ जाती है, पुरुष के अत्याचार से तंग आ जाती है। वही वो अपने सामने में रहने वाली एक नारी को देखती है जो कि एक तरह से समाज में वेश्यावृत्ति का काम करते रहती है, तो उसे वो हर समय सुखी देखती है। तो उसे लगता है कि यह जो कार्य है यह बहुत अच्छा है, इस पर बहुत जल्दी पैसे आते हैं और सुखी रह जाता है। तो जो समय नारी पात्र है वो वेश्यावृत्ति की ओर सुमन प्रमुख पात्र है सेवाश्रम में, सुमन नारी। हाँ, सुमन प्रमुख पात्र हेलो सर। हाँ हेलो, सुन रहा हूँ। सेवाश्रम में सुमन नाम का एक नारी पात्र वो प्रमुख है इस उपन्यास में, उसके बारे में वर्णन कर। वो बहुत गरीब गलत रास्ते का प्रयोग किया था, उसके बारे में वर्णन में मुझे जो जानकारी है। हाँ नहीं, जानकारी सही है, वही बुरे कार्य वृत्ति में लिखी जाती है, उसी के पूरा का पूरा उपन्यास। उसको गरीबी के कारण ही वो गलत रास्ते पर गए थे, गरीबी के कारण भी, और उसका पुरुष अत्याचार ही बहुत करता है उससे, मतलब कभी भी क्योंकि वो उसका पति उससे उम्र में बहुत बहुत बड़ा रहता है और वो गरीब भी रहती है, उसका पति उससे ठीक ढंग से बातचीत नहीं करता है और मारपीट करता, हाथ उठाता। तो यही सब चीजें जो है आगे चल करके उसे वेश्या बनने को मजबूर कर देती है और इस रास्ते को चुन लेती है। जी सर, अभी तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस लिखे नहीं है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के लिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ही ज्यादा कर रहे हैं। हेलो सर। हाँ सर, मैं रंगभूमि पर कुछ सवाल कर सकता हूँ क्या? रंगभूमि पे मैं पहली चीज रंगभूमि बहुत पहले पढ़ा हुई, मुझे कुछ ध्यान नहीं है रंगभूमि का। अगर आपको कुछ हो तो आप अपनी इंक्वायरी रख सकते हैं, जैसे हमारे ग्रुप है तो वहां पर मैं चर्चा करके आपको बाद में बता दूंगा अगली कक्षा में। रंगभूमि सर, रंगभूमि उपन्यास कृषक या अत्याचार के ऊपर नहीं था वो, शायद श्रमिक के ऊपर ऐसे ही वर्णन हुआ है, मुझे ध्यान नहीं क्योंकि मुझे रंगभूमि पढ़े हुए लगभग 5 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने कर्मभूमि पढ़ा था तो कर्मभूमि का मुझे हल्का फुल्का याद है, रंगभूमि मुझे क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है इसलिए रंगभूमि का मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरी भी ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। रंगभूमि में श्रमिक का जो ऊपर जो शोषण हो रहा था उसके बारे में शायद वर्णन हुआ है, मुझे जहां तक याद है इसमें कृषि के ऊपर नहीं है, इसमें अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बना करके हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव, इसका मुख्य जो इसके मुख्य बात की जाए चरित्र की, जिसका मुख्य चरित्र है एक भिखारी है, अंधा भिखारी जिसका नाम रहता है सूरदास।
उसको कथा नायक बना करके ये पूरी की पूरी मतलब साहित्य में किस प्रकार से क्रांति आई, अच्छा ये आधारित है। मुझे याद आया भिखारी सूरदास के ऊपर है ये पूरा का पूरा। ठीक है सर। सर गुड इवनिंग, मैं ग्लोरी। मेरा क्वेश्चन है कि प्रेमचंद जी एक यथार्थवाद भी थे और एक आदर्शवाद भी थे। तो यथार्थवाद में वे अपने सब समकालीन यथार्थ को वो बताते थे उपन्यास में, तो आदर्शवाद में उनका क्या मतलब, वो क्या दिखाते थे आदर्शवाद में, वो क्या एक्सप्लेन किए आदर्शवाद में? अच्छा बात है। आदर्शवाद की जब हम बात करते हैं, आदर्श एक शब्द हमें सुनने को हमेशा मिलता है कि आदर्श कहा भी जाता है कि आपका आदर्श कौन है, जो नॉर्मल से एक चीज निकल के आती है या हम किसके ऐसा बनना चाहते हैं सामाजिक। तो आदर्शवाद की जाए तो वो एक दौर था जब आजादी का आंदोलन चल रही थी, मतलब बहुत सारे बिंदु थे, मुख्य बिंदु पर आजादी का दौर चल रहा था, आजादी का आंदोलन चल रहे थे। दूसरा था समाज में कुप्रथाएं बहुत थी, ध्यान होगा आजादी के बाद कुप्रथाएं कई साल तक भी चली, लेकिन वो जो दौर था 1920 के 1910 जब प्रेमचंद लिखना शुरू किए, कुप्रथाएं बहुत थी। कुप्रथाओं की बात की जाए तो छुआछूत था, जाति पात थे, सती प्रथाएं थी, उसके बाद बाल विवाह था, विधवा विवाह नहीं करेगी पति में जाता तो सती होना पड़ता था। तो ये सब चीजें जो है इसे खंडन करने का काम किया। तीसरी एक चीज है नारी को वो स्थान उस समय नहीं, उस दौर में नहीं मिल पाता था कि नारी पुरुषों के मुकाबले या पुरुषों के साथ मिलकर के आगे बढ़े। जो उनके जितने भी उपन्यास से हम बात करें वहां पर यह देखा जाए कि नारी दबी हुई है, नारी ने आवाज नहीं उठाया, नारी ने स्वर मुखर नहीं किया है। तो प्रेमचंद ने आदर्श के रूप में इन्हीं सब पात्रों को लाने का प्रयास किया। आप उनके किसी भी उपन्यास को देखेंगे उन्होंने छुआछूत जाति पाति इसका खंडन किया, समाज में इसे हटाने का काम किया अपने उपन्यास के द्वारा। साथ ही साथ नारी को एक उचित, उनके कोई एक ऐसा उपन्यास नहीं है जहां पे नारी पात्र ना रहा हो। उन्होंने नारी पात्र को रखा, नारी को क्रांति करने और पुरुष के साथ में खड़ा करने का प्रयास किया। तो ये एक तरह से आदर्श था उस दौर में देखने को नहीं मिलता था बाकी उपन्यासों में। बाकी उपन्यास समाज से परे हट करके नहीं लिखना चाहते थे, उनका यह मानना था कि हमें इसी समाज में लिखना है, हम जितना अच्छा समाज के अनुसार लिखेंगे तो हमारी उतनी अधिक प्रति छपेगी, कॉपी छपेगी, हम श्रेष्ठ एक उपन्यासकार या कहानीकार या साहित्यकार के रूप में। प्रेमचंद ने इन सब चीजों को नहीं, उन्होंने यथार्थ को रखा तो आदर्श में स्थापित किया कि एक नारी को पुरुष के साथ मिलकर चलना चाहिए, समाज में जाति पाति या विभिन्न प्रकार की जो भी कुरीतियां हैं वो नहीं होना चाहिए और समाज हमारा इस प्रकार का होना चाहिए जहां पे सभी को आगे मिलकर बढ़ने का अधिकार हो। ओके सर। और एक क्वेश्चन भी है नीचे, असित पाणिग्राही ने जो दिया है, प्रेमासंग को लिखने में लेखक को कितने साल लग गए? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, प्रेमासंग को लिखने में कितने साल लगे। ठीक है, हेलो, हाँ तुम्हारा आवाज का इको हो चले, शांत म्यूट कर दियो। हाँ तो अब मैं जवाब देता हूँ, प्रेमाश्रम को लिखने में कितने साल लगे। ये इसका कुछ उचित मुझे जहां तक मैंने जितनी किताबें पढ़ी इसका कोई एक उचित समय सीमा नहीं थी। कई लोग कहते हैं कि 1917 या 18 से उन्होंने लिखना शुरू किया, कई लोग कहते हैं कि 1922 में जब प्रेमाश्रम आई तो इतना ज्यादा समय प्रेमचंद को किसी उपन्यास में नहीं लगा, प्रेमचंद ने 1920 में लिखने का कोशिश किया। मैंने जितनी किताबें पढ़ी है मुझे 1918 इस उपन्यास की शुरुआत का वर्ष जहां ज्यादातर जो मैंने पढ़ा है 1918 ये उपन्यास को लिखने का, 1921 में ये उपन्यास लिखी गई थी लेकिन यह उपन्यास उर्दू में लिखी गई थी। लिखी एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रेमाश्रम जो उपन्यास है वो लिखी सबसे पहले गई उर्दू में, मतलब लिख करके उसकी समाप्ति उर्दू में ही, लेकिन उसका प्रकाशन सर्वप्रथम हिंदी में हुआ। यानी कि 1921 में वो उर्दू में लिख ली गई थी प्रेमाश्रम, और 1922 में वो प्रकाशित हुई तो हिंदी में प्रकाशित हुई, उर्दू में उससे प्रकाशित नहीं हुई, उर्दू में वो उसके बाद में प्रकाशित हुई। तो हाँ 1918 में शुरुआत हुई उपन्यास को लिखने का, 1921 में यह उपन्यास लिख करके कंप्लीट हो गया, 1922 में उपन्यास हम सबके सामने आए। ओके, और एक क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, प्रेमाश्रम उपन्यास कितने खंडों में,
प्रेमाश्रम उपन्यास खंडों में नहीं है, बहुत कम ही उपन्यास हुए हैं जिनकी पृष्ठभूमि प्रश्न क्या बोलते हैं पेजों की संख्या ज्यादा हो तो उन्हें हम खंड में विभाजित कर देते हैं। प्रेमाश्रम में खंड नहीं है। हाँ, प्रेमाश्रम को जब हम पढ़ते हैं तो एक तरह से यूनिटाइजेशन जिसे हम कहते हैं, जो एक शब्द आजकल चलता है उपन्यास में यूनिटाइजेशन, तो उसमें हम पढ़ते हैं तो पांच, किसी किसी में छह, वो विभिन्न प्रकार के पब्लिशिंग हाउस के ऊपर है जो पब्लिशर निकालते हैं। प्रेमाश्रम में इस प्रकार से खंड नहीं है। प्रेमाश्रम लगभग 180 पृष्ठों की उपन्यास है, खंड उसमें नहीं है। खंड उसमें अगर आपको कहीं देखने को मिलते हैं तो वो बाद में जो उसको नए संस्करण होते हैं पब्लिशर द्वारा डाल दिए जाते हैं ताकि लोग बोर ना हो। जो आजकल एक उपन्यास लिखने में एक महत्वपूर्ण चीजें आती है खंड, कि 10 लाइन के बाद हम लोग 10 पेज के बाद हम लोग लिख देते हैं दूसरा हेडिंग डाल देते हैं, फिर 20 पेज के बाद तीसरा डाल देते हैं। तो यह आज के दौर में चलचित्र है। उस समय जिसमें प्रेमाश्रम लिखी गई थी उसमें कहीं पर भी खंड का कोई जिक्र नहीं है। जी सर, प्रभास मेहर ने एक क्वेश्चन किया है कि प्रेमाश्रम का क्या महत्व है और आज के समय के साथ हम उपन्यास को कैसे जोड़ सकते हैं। इसके प्रश्न में ही इनका उत्तर है, आज के समय में उपन्यास को कैसे जोड़ सकते हैं। आज का दौर हम देखें तो आपको उपन्यास, अब एक सबसे साधारण सी चीज है, प्रेमचंद ने जिस दौर में उपन्यास लिखा ये उनके उपन्यास की ही एक तरह से कहिए विशेषता है कि हिंदी में जब उपन्यासों की बात होती है जो तीन काल में विभाजित किए जाते हैं उपन्यास, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास काल हुए, प्रेमचंद के काल का उपन्यास हुआ, प्रेमचंद के बाद का उपन्यास हुआ, उपन्यासों के तीन कालखंड को बांटा गया तो प्रेमचंद के नाम से बांटा गया। तो कुछ तो विशेषता रही होगी उस उपन्यासकार में जो उस समय के और भी उपन्यासकार हुए उस समय के उपन्यासकारों में न देखने को मिली है, इस वजह से इस काल का नाम प्रेमचंद के नाम पे पड़ा। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं आज के उपन्यास में, तो आज के उपन्यास या आज के उपन्यासकार लिखते हैं पाठक वर्ग के लिए, वह यथार्थ से उनका कोई मतलब नहीं होता है, वो बस यह लिखते हैं कि यह एक टॉपिक उठा लिए, इस टॉपिक पर अगर मैं लिखूंगा तो मेरी ज्यादा प्रति छपेगी, ज्यादा प्रति छपेगी तो मेरी कमाई अच्छी होगी और मैं अच्छा कमा लूंगा तो लोगों को लगेगा कि अच्छा ये इसकी इतनी प्रति बिकी है, यानी कि ये बहुत कुछ कोटि का उपन्यास कर होगा। तो आज के समय से अगर मैं प्रेमाश्रम को जोड़ कर देखूं तो आज का उपन्यास प्रेमाश्रम के सामने कुछ नहीं है। प्रेमाश्रम ने यथार्थ को उठा करके रखा, आज का उपन्यास यथार्थ को उठा करके नहीं रखता है। आज का उपन्यास पाठक वर्ग को ध्यान में रख करके लिखा जाता है। प्रेमचंद ने किसी पाठक को कि पाठक मेरे प्रति रुचि दिखाएगा, पाठक मुझे पढ़ेगा, यह सोचकर कभी उपन्यास नहीं लिखा। जितना मैंने प्रेमचंद को पढ़ा है उन्होंने समाज में यह चीज अनुभव की, समाज में यह घट रहा है किसानों पर अत्याचार पर उठा कर रख दिया, उन्होंने देखा समाज में महिलाओं को दबाया जा रहा है, उस चीज को उठा करके उन्होंने अपने उपन्यास में रखा। उन्होंने समाज में देखा कि आंदोलन की एक चिंगारी जल रही है, लोग आंदोलन करते हैं, लोगों को स्वाधीनता चाहिए, लोगों को स्वतंत्रता चाहिए, वो चीज उठा के उन्होंने, क्योंकि आज के उपन्यासों में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो प्रेमचंद दौर के उपन्यास अपने आप में महान इसीलिए है कि उसने यथार्थ को रखा। आज का दौर का उपन्यास उस उपन्यास के, अगर मैं कहूँ उस उपन्यास के कंपेरिजन में कहीं नहीं है, क्योंकि आज का जो उपन्यास है वो सिर्फ और सिर्फ पाठक वर्ग के लिए लिखा जाता है। जी, सवाल ये था कि हम कैसे प्रेमचंद के उपन्यास को आज के जमाने से रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, कैसे रिलेट कर सकते? हाँ, ठीक, रिलेट इस तरह हम कर सकते हैं कि आज का जो दौर का जो उपन्यास है, जब हम आज के दौर के उपन्यास, जैसे अभी मैं हाल फिलहाल में काशी काशीनाथ सिंह की एक बहुत बेहतरीन उपन्यास है उसे पढ़ता हूँ, तो वहां पे यथार्थ को रखने का प्रयास किया गया है। तो जब कोई प्रयास होता है तो जरूरी है कि वो कहीं ना कहीं से प्रोत्साहन या कहीं ना कहीं से नहीं बोलते इन्फ्लुएंस हो करके लिखा जाता है। तो उस दौर में और आज के दौर में किस तरह से प्रामाणिकता या किस तौर से जोड़ सकते हैं, तो यथार्थ के तौर पर हम जोड़ सकते हैं जो उपन्यास अच्छी लिखी गई है यथार्थ के रूप में। उसके बाद फिर हम आदर्श के रूप में जोड़ सकते हैं कि आदर्शवादी उपन्यास, अगर उस दौर में आदर्शवादी उपन्यास लिखी गई, आज के दौर में आदर्शवादी उपन्यास लिखी जा रही है, तो आदर्श के साथ में जोड़ सकते हैं। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल कर के आती है कि क्या बोलते हैं उसे, हिंदी में मुझे शब्द नहीं मालूम, शब्द नहीं आ रहा है, एक अंग्रेजी में कहते हैं कि उपन्यास के धारा पर, उपन्यास के जो मानदंड होते हैं कि ये चीज है तो आपके उपन्यास उच्च कोटि के हैं, तो इस मानदंड पे भी हम रख सकते हैं कि उस दौर में कोई मानदंड सिद्ध नहीं थे कि उपन्यास इस तरह से लिखे जाते हैं। आज एक नया आधुनिक दौर आया जिसने सभी प्रकार के मानदंडों को खत्म कर दिया। उन्होंने शायद फिर से कुछ प्रश्न लिखा है।
the current scenario. He is asking that how can we relate it to current scenario? Because when we read the plays of Shakespeare, it was written in the 16th century, yet we can relate it to the present situation, right? So he is asking in that manner, how can it be relatable to the present situation? Are we able to get it? वही चीज मैं कह रहा हूँ कि आदर्श और यथार्थ के बात करें तो इन दो चीजों पे हम इन्हें जोड़ सकते हैं आज के सिनेरियो में. आज के सिनेरियो में जैसे बात की जाए उस समय और आज के दौर में दो मुख्य चीजें हैं जिसे हम जोड़ सकते हैं, आदर्श और यथार्थ. धन्यवाद सर. और एक क्वेश्चन है, प्रेमचंद की विचारधारा क्या थी? अच्छा, प्रेमचंद की विचारधारा क्या थी? प्रेमचंद की विचारधारा की बात की जाए, प्रेमचंद की वही विचारधारा थी जो आपकी और मेरी है. उनकी विचारधारा सिर्फ और सिर्फ साहित्य से थी, उनकी विचारधारा सिर्फ और सिर्फ समाज को उन्मुख करने में थी, उनकी विचारधारा समाज को स्वतंत्रता दिलाने में थी, और उनकी विचारधारा समाज में अच्छे कोटि के साहित्य को स्थापित करने से थी. जी धन्यवाद सर. उनकी विचारधारा का कोई यह नहीं था कि आज के दौर में जो दो धाराएं चलती है लेफ्ट राइट, इसमें कुछ नहीं था. उनका सीधा सीधा था कि देश स्वतंत्र हो, लोग स्वावलंबी बने, जो समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो दूर हो, यही उनका मानना था, यही उनकी विचारधारा थी. हेलो. हाँ हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रेमा श्रम में अवध आंदोलन का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा, तो ये अवध आंदोलन में क्या हुआ था ऐसा, किसानों के ऊपर ऐसा क्या, किसानों के द्वारा कैसे आंदोलन हुए थे, कि प्रेमाश्री कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है? हाँ, माइक बंद करें मैं बोलूं. जी, जहाँ पे आपने बात की अवध आंदोलन की, तो मैंने अभी किसी एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा था कि प्रेमाश्रम कब लिखा गया, तो मैंने कहा 1918 और 1921 के दौर में यह लिखा गया. उस दौर में बहुत सारे आलोचक और निबंधकार हुए, उन्होंने अपने बहुत सारे मत रखे हैं. एक मत हमें निकल के आती है कि आप जब देखते हैं 1918 में, या जब हम कहते हैं प्रेमाश्रम की शुरुआत हुई, उस समय समाज में तीन मुख्य आंदोलन हुए थे. तो जैसा साहित्य में कहा जाता है ना कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य स्वयं भी समाज को प्रभावित करता है और स्वयं भी समाज से प्रभावित होता है. तो जो तीन आंदोलन हुए थे, पहला आंदोलन हुआ था चंपारण 17 अगस्त 1917 में जो बिहार में हुआ था, उसका मैं आपकी बात पे जाऊंगा, मुख्य चीजों को मैं जोड़ते हुए रिलेट करता हूँ आपके टॉपिक से. तो 1917 में जो चंपारण 17 अगस्त हुआ था, उसका मुख्य कारण था कि जबरदस्ती किसानों से अंग्रेजों द्वारा नील की खेती कराई जाती थी. आप लोगों में से शायद ज्ञात हो ना हो, मैं बता दूं, नील की खेती जब किसी भूमि पे होती है तो बहुत वर्षों तक वो भूमि बंजर हो जाती है, वो भूमि उपजाऊ नहीं रहती है, उसमें अन्य प्रकार की खेती नहीं कर सकते, जिसका विरोध किसानों ने किया. आगे चल करके इस आंदोलन में उस समय महात्मा गांधी ने भी भाग लिया. यह बहुत बृहद राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हो गया था. जब राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन होगा तो कोई भी साहित्य उससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा हमने चर्चा की कि साहित्य समाज का दर्पण होता है. फिर आगे बढ़ते हुए उसी के कुल एक वर्ष बाद की बात किया तो खेरा सत्याग्रह 1918 गुजरात में हो गया, जिसमें महात्मा गांधी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, एक राष्ट्रीय आंदोलन बचा. और 1918 के दौर में ही प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम लिखने का कार्य शुरू किया. और चूंकि प्रेमाश्रम और प्रेमचंद द्वारा लिखी गई प्रेमाश्रम जो थी वह बनारस में लिखी गई, बनारस से शुरू हुई, तो 1918 के बाद की जब आप बात करते हैं अवध आंदोलन, अवध में किसान आंदोलन हुआ था 1921 और 22 के दौर में, तो इस आंदोलन का भी हम कह सकते हैं, उस आंदोलन की मुख्य मांगे यह थी कि बेदखली पर रोक हो, यानी कि जब किसी जमींदार के घर में उसका वंशज यानी कि उसकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ती थी, तो अंग्रेजों का कानून था कि उसकी जमीन को जब्त कर लिया जाता था. इसके विरुद्ध में यह आंदोलन हुआ. जो अंग्रेजों ने एक तरह से जो कर का निर्माण कर रखा था कि आपकी जो सालाना खरीदनी निर्धारित कर दी गई, आपकी खेती हो ना हो, प्राकृतिक आपदा आए, उससे फर्क नहीं, आपकी खेती अच्छी नहीं हुई, यह नियमित रूप से रकम या नियमित रूप की कर आपको देना ही पड़ेगा. तो ये सब चीजें मुख्य रूप की जिसे लेकर के अवध का आंदोलन हुआ. और वह आंदोलन जो हुआ अवध में हुआ, अवध जैसा हम जानते हैं बहुत ही पड़ोसी एक तरह से कहें जिला है, बनारस से सटा हुआ. प्रेमचंद ने इस उपन्यास की शुरुआत 1918 से 1921 के बीच बनारस में ही रहते हुए की. तो हाँ, जब आपके आसपास में कोई एक बड़ा सा आंदोलन होगा और किसान आंदोलन, क्योंकि प्रेमचंद के मुख्य उपन्यास प्रेमाश्रम में किसान की ही चर्चा की है, तो बहुत लोगों का यह मानना है कि वह किसी न किसी रूप में छूती हुई तीनों आंदोलन को, किसान की या तीनों जो आंदोलन, चाहे चंपागरण, चाहे सत्याग्रह,
खेड़ा सत्याग्रह या अवध आंदोलन, की तीनों आंदोलन की हल्की फुल्की छीट यहाँ दिखाई जाती है, क्योंकि वहां भी किसानों के मुद्दे थे, यहाँ भी किसानों के मुद्दे थे। जी धन्यवाद सर। बच्चों का और क्वेश्चंस नहीं है तो हम वाइंड अप कर सकते हैं। हाँ सर, ये जो उपन्यास का नाम प्रेमाश्रम जो लिखा गया, उसका खास जो ये जो चूज किया है ये नाम, इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। प्रेमाश्रम। अच्छा, उपन्यास का नाम, जी उपन्यास का नाम प्रेमाश्रम क्यों पड़ा ये तो स्पष्ट रूप से मुझे भी नहीं पता। मुझे जो मेरी जहां तक समझ बैठी है मैं उसके आधार पर कहूंगा, एक चीज है जब किसी भी शब्द का जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है हिंदी में जो कहा जाता है, हिंदी साहित्य में पढ़ा जाता है, किसी भी शब्द को अगर उसका अर्थ समझना हो तो शब्द को तोड़ देना चाहिए। तो प्रेमाश्रम की जो बात की जाए तो दो चीजें हमारे सामने निकल के आती है, एक है प्रेम, एक होता है आश्रम या श्रम, बात की प्रेमा और एक होता है श्रम। तो प्रेम से श्रम करना, जहां पे श्रम की बात होती है, यहाँ किसान है, किसान अपनी भूमि में लगातार नित्य निरंतर श्रम ही करता है, और प्रेमा क्योंकि कई जगह पे यहाँ पे किसान की प्रेम भी मिली है। प्रेम का अर्थ किसान का किसी और के प्रति नहीं, उसके भूमि के प्रति, ये जो पूरी की पूरी जो पृष्ठभूमि है किसान और किसान की भूमि से जुड़ी हुई है, तो इस वजह से भूमि के प्रति उसका प्रेम और भूमि के लिए उसका श्रम, हो सकता है इसे जोड़ करके प्रेमाश्रम की स्थापना, प्रेमाश्रम की रचना प्रेमचंद ने की हुई। तो इसका स्पष्ट कहीं प्रेमाश्रम अर्थ इसलिए पड़ा या मुझे भी ज्ञात नहीं, ना तो मैंने पढ़ा है, जो मेरी समझ बनी है प्रेमाश्रम को लेकर के मैंने आपके सामने रखी है। ओके ओके सर। मैडम जी, जी सर, तो वी कैन वाइंड अप राइट। ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर, आपने बहुत अच्छा प्रवचन दिया प्रेमचंद के ऊपर, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो सब लेकर, इवन आपने डिफरेंट वर्क्स जो कहा, और इवन हर एक वर्क्स में उनका उर्दू टाइटल होता था, जैसे कि हमारे प्रेमाश्रम में ही गोशा अफियत बोल के टाइटल दिया गया था, और डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने लिया और जो नॉलेज दिया बच्चों को, उसके ऊपर हम जो डिफरेंट रिसर्च वर्क कंटिन्यू करते हैं, टेकिंग इनटू अकाउंट द सोशल रियलिज्म, इवन द फेमिनिन क्वालिटीज दैट आर देयर, उनमें वो फेमिनिन क्वालिटी जो रहता है, फीमेल क्वालिटीज फीमेल नेचर में, उसे बस स्ट्रेंथन फॉर्म में दिखाया गया। तो हर एक वर्क प्रेमचंद जी का अभी भी अलाइव है एंड वी आर रीडिंग इट एंड ही इज मच मोर अलाइव। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेक्चर। धन्यवाद। और जो विद्यार्थियों ने आज इस ऑनलाइन कक्षा के श्रृंखला में जुड़े हुए थे उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। प्रेमचंद एक विप्लवी थे, जो विप्लव लाना चाहते थे वो कलम के द्वारा ही वो विप्लव लाना चाहते थे। हर एक उपन्यास या गल्प में एक विप्लव है, एक रिवॉल्यूशन है। इसीलिए 20 साल तक 1916 से लेके 1936 तक जो कालखंड है उसको हम प्रेमचंद युग कहते थे। तो और एक विद्यार्थी जो प्रश्न पूछे थे कि 1918 में जो हुआ था और आज के दिन, मतलब वो कोरोना के बारे में शायद एक रेलिवेंस निकालना चाहते थे, कंपैरेटिव एनालिसिस, तो उस वक्त का जो स्थिति था और आज का स्थिति में बहुत फर्क है। फर्क सिर्फ इतना नहीं कि प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है वाणिज्यकरण वो करने नहीं दिए थे, कोशिश जरूर किया गया था, पर आज का साहित्य जो है चंद साहित्यों को उपन्यासकार को छोड़ के बाकी तो बस वाणिज्यकरण ही है, जो हमारे आज के विशेष विषय विशेषज्ञों ने अभिषेक जी आप लोगों को बताए थे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। और धन्यवाद सर, मैं आपकी बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा, जैसे आपने वाणिज्यकरण की बात की तो विद्यार्थियों के लिए भी एक रोचक सी बात है, शायद वो जान ले,
कि जैसे शुरुआत में आपने कहा ना कि प्रेमचंद फिल्म इंडस्ट्री में फिर कुछ साल अपना हाथ अजमाए वापिस छोड़ के आ जाए, उसका मुख्य कारण यही था कि वो साहित्य प्रेमी थे। वो जब बंबई जाते हैं और सिनेमा में हाथ अजमाते हैं तो उन्हें यह देखने को मिलता है कि वो जिस कोटि के साहित्य या स्क्रिप्ट कहें या गाना कहें या कविता कहें जब वो लिखते हैं, लेकिन जब डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के पास वो जाता है तो वो अपने पसंद या उस समय के समाज के पसंद में जब काट छाट करता है तो प्रेमचंद को लगता है कि मेरी साहित्य में को जो होनी चाहिए, जो मंजिल मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। यही वजह तो छोड़े मुंबई छोड़ने का वजह भी वही था। मुंबई छोड़ने का वजह भी वही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और आज की श्रृंखला में योगदान के लिए, और मैं आभारी रहूंगा अभिषेक जी का और हवा फरीन जी जो कि आज सहयोग किए थे और हमारे टेक्निकल सहायता जो कर रहे थे मास्टर निशांत और सुश्री स्वागत जी का धन्यवाद। धन्यवाद विद्यार्थियों को, और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इसके उपरांत भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट रह गए हो तो आप लोग जैसे जानते हैं कि हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है एमए के विद्यार्थियों का, आप वहां पे भी कुछ पूछ सकते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद, आप अपनी ओर से अपने कॉल एंड कर सकते हैं। मैं आज की कक्षा में मेरा साथ देने के लिए पृथ्वीराज सर, हेवा मैडम को मुख्य रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, निशांत सर और सुमित्रा मैडम को धन्यवाद टेक्निकल सहायता के लिए, और आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद क्योंकि कोई भी कक्षा एक विद्यार्थी के बिना पूर्ण नहीं होती है। तो सबसे बड़ा धन्यवाद आपको कि आप लोग कक्षा में आए और आप लोगों ने सहभागिता की। आप लोगों के साथ में मुझे भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला। धन्यवाद।